हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज बिगनर स्पेशल 25 फ्रीज लाइक क्लास की फिफ्थ क्लास है और आज हम बनाने वाले हैं कुर्ती। तो कुर्ती में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती। अब सिंपल कुर्ती बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको कुर्ती बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए, आर्म होल निकालने के लिए आर्म होल एंड शोल्डर के लिए चार्ट चाहिए, फ्रेंच कर्व, एक नोटबुक एंड पेन भी चाहिए, स्ट्रेट वाला स्केल एंड एक बड़ा स्केल, कैंची चाहिए, चौक एंड मेजर टैप। तो अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। कुर्ती के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किसको क्या बोला जाता है और सभी चीजों के लिए फॉर्मूले क्या रहेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और जल्दी से आप लोग प्रेजेंट लगा दीजिए कि कौन कौन आज की क्लास में प्रेजेंट है। ये वाली पूरी क्लास देखने के बाद आप लोगों के जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। अभी जो सैटरडे आने वाला है तो उसमें लाइव सेशन करेंगे, तो मैं आपके सारे डाउट्स के वहां पर आंसर दे दूंगी। तो अभी मैंने थर्ड क्लास में आपको बॉडी मेजरमेंट लेना सिखाया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने मेजरमेंट लिया है। तो ये रहा हमारी सिंपल कुर्ती का मेजरमेंट। लेंथ यानी कि लंबाई 33.5 इंच रखने वाले हैं। चेस्ट यानी कि सीना 31 इंच का है। वेस्ट यानी कि कमर 25 इंच की है। हिप 32 इंच का है। साइड स्लिट यानी कि चौक हम 19 इंच में बनाने वाले हैं। दामन यानी कि कुर्ती का जो दामन होता है वो 18 इंच का रहेगा। नेक फ्रंट साइड का 6 एंड बैक साइड का 3 इंच का रहने वाला है। शोल्डर हमारा 14 इंच का है फुल। और आर्म होल निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। और स्लीव्स जो है 15 इंच की है। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने फैब्रिक लिया ये नॉर्मल 2 मीटर फैब्रिक है। और आपकी कुर्ती में कितना फैब्रिक लगने वाला है उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है अपनी कुर्ती की लेंथ। तो यहाँ पर तो हम 33.5 इंच की कुर्ती बना रहा है, पर आप जितनी भी बड़ी बनाओगे उसके लिए फॉर्मूला रहेगा। कुर्ती की लेंथ प्लस 3 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इंटू 2 इजिकल्स टू जो भी आंसर आएगा वही आपका फैब्रिक रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम 33 इंच की लेंथ बना रहे हैं, पर अगर आपको कम या ज़्यादा बना, जैसे कि अगर 37 बनाना है प्लस 3 इंच कर देना है इंटू 2। अब 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 इंच इंटू 2। जब इसमें इंटू 2 का करेंगे तो हो जाएगा 80 इंच। तो आपको फैब्रिक चाहिए टोटल 80 इंच का। अब अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 39 से डिवाइड कर दो। तो 80 डिवाइडेड बाय 39 तो कितना आ गया 2.05, यानी कि 2 मीटर से बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक। या फिर आप 2 मीटर भी ले लोगे तो हो जाएगा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मीटर रहेगा और ये इंच है। इंचेस में 80 इंच का और मीटर में 2.05 मीटर। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शॉर्ट या लॉन्ग जैसी कुर्ती बनाना है आप फैब्रिक निकाल के उतना ही फैब्रिक परचेस करके आप परफेक्ट कुर्ती बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो कुर्ती है इसमें हमें देखना है प्रिंट का डायरेक्शन। इसमें प्रिंट बना हुआ है तो यहाँ पर ये जो फ्लावर बना है ऐसे नीचे इसका पॉट रहेगा और यहाँ पर पूरा फ्लावर रहेगा, तो इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर साइड जा रहा है। अब जब ये सेकेंड फ्लावर है इसमें यहाँ पर पॉट बना हुआ है और यहाँ पर फ्लावर है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। तो एक का डायरेक्शन ऊपर साइड, एक का डायरेक्शन नीचे साइड, इस तरह से जा रहा है। तो हम कुर्ती डायरेक्टली डबल फोल्ड करके बना सकते हैं। अगर आपका प्रिंट का डायरेक्शन ऐसे ऊपर ऊपर साइड जा रहा है तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड प्रिंट का डायरेक्शन ऐसे ऊपर साइड रखना है। जैसे कि इस टाइप का फ्लावर बनाए तो इसको हमें कुछ इस तरह से लेना है कि प्रिंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे 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 आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड इसका डायरेक्शन होगा, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड होगा तो वो इस साइड होगा, पर राइट हैंड करना है हमें तो इस साइड लेना है। तो यहाँ पर फैब्रिक को सिंगल कर लेंगे। अगर डायरेक्शन ऊपर साइड जाता तो हम कुर्ती को यहाँ से फोल्ड करके एक पार्ट की कटिंग करते, फिर इसके नीचे से दूसरे पार्ट की कटिंग करते, पर अभी हमारा जो प्रिंट है वो एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को ऐसे सिंगल करके लेंगे, लास्ट में जाएंगे, दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद ऐसे फैब्रिक को डबल कर लेंगे, ऐसे नीचे लटकाना है, अच्छे से ऐसे झटकारना है, इस तरह से फैब्रिक को रखना है और देख लेना है कोई क्रीज वगैरह नहीं आनी चाहिए। यहाँ से फैब्रिक लेवल इस तरह से परफेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। अब यहाँ से फैब्रिक को कितने इंच तक फोल्ड करना है, फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है हिप वाला साइज। हिप का साइज कितना है 32 इंच, प्लस इसमें लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच की, तो हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। 35 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ गया 8.75। अब इसके बाद आपको देखना है दामन, दामन कितना है 18 इंच का, दामन को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे
तो कितना आ जाएगा 9 इंच। तो आपको देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा क्या है, ये हिप का साइज ज्यादा निकल रहा है कि दामन ज्यादा निकल रहा है। तो हमारा दामन ज्यादा है और 90% केसेस में यही ज्यादा निकलता है। किसी किसी चांसेस में ये आपका ज्यादा हो सकता है, पर 90% केसेस में यही ज्यादा रहता है। तो अभी कितना आ रहा है 9 इंच, तो जितना भी ये आ रहा है प्लस इसमें 2 इंच करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए तो हो जाएगा 11 इंच। तो हमें फैब्रिक को 11 इंच तक फोल्ड करना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 11 इंच का फैब्रिक ले लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से नाखून लगाएंगे। फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद मेजरमेंट में हमें अपना शोल्डर देखना है। तो शोल्डर हम कितना लेंगे वो हमें देखना होगा अपने नेक के अकॉर्डिंग, कि नेक हमारा डीप है या फिर शॉर्ट है या फिर कॉलर वाला नेक है, पैक नेक है, किस टाइप का नेक है। तो हमारा बैक साइड का जो नेक है वो शॉर्ट नेक है। तो जब भी आपका नेक शॉर्ट रहेगा तो आपको जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसमें से -1 करना है, तो हो जाएगा 13 इंच। अब फैब्रिक को हमने ऐसे फोल्ड करके रखा है इसलिए हम अपने शोल्डर के मेजरमेंट को भी फोल्ड कर देंगे, तो आ जाएगा 6.5 इंच। तो शोल्डर हम लगाएंगे 6.5 इंच। अब आपको 1 इंच शोल्डर कब से कब तक माइनस करना है, देखो जब आपका बैक साइड का नेक, फ्रंट का तो कितना भी डीप होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना ही आप रहने दो, फ्रंट का तो क्योंकि डीप ही पहनते, पर बैक का 2 इंच से बड़ा होना चाहिए, 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 2 इंच अगर 2 इंच से कम रहेगा तो आपको फुल शोल्डर ही लेना है, उसमें से बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है। पर 2 इंच से जब नीचे जाएगा शोल्डर तो आपको 1 इंच शोल्डर माइनस कर देना है। कब तक? जब तक आपका नेक 5 इंच तक रहेगा। इसके बाद अगर नीचे जाता है तो फिर वो हमारा डीप नेक में आ जाएगा। तो हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। तो 6.5 कहाँ पर आएगा मेजर टैप में? यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से मेजर टैप रखना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना, और 1 इंच शोल्डर डाउन करना सभी के लिए फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर हमने नेक विड्थ के लिए चार्ट लिया है, 1 साइड पैक और 1 साइड डीप। फ्रंट साइड नेक हमारा डीप रहेगा और बैक साइड का पैक यानी कि शॉर्ट ही रहेगा। तो इसमें हमें नेक विड्थ कितनी रखनी है वो हमें देखना है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट साइज पहले हमें देखना है, चेस्ट कितना है 31, तो हमने यहाँ पर 31 देखा। सामने गए नेक विड्थ वाले कॉलम में कितना आ रहा है 2.25 इंच नेक की विड्थ, और ये सभी की अलग अलग रहेगी चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग, सभी की अलग अलग रहेगी। तो अभी हम सीख रहे हैं 1 साइड पैक और 1 साइड डीप नेक कुर्ती। ऐसे ही अगर आप सारी टाइप की कुर्तियां सीखना चाहते हो और आपको सारी टाइप की कुर्तियां बनाने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डीप नेक कुर्ती हुई, बॉट नेक कुर्ती हुई, कॉलर वाली कुर्ती में ऐसी तिरछी वाली क्रीच बनती है, या फिर कुर्ती में आपको ऐसे फ्रंट में क्रीच बनती है एक्स्ट्रा, या फिर आपके शोल्डर गिरते हैं, या फिर आपको आर्मोल समझ नहीं आता कि आपको सभी साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल कैसे चेंज करना है, साइज में बड़ा साइज रहेगा तो कैसे लेना है, अगर किसी का टमी बड़ा है तो आपको किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। तो अगर आप ऐसे सारी चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हो तो उसके लिए हम आपको क्लासेस भी देते हैं। तो आप हमारी कुर्ती मास्टर क्लास को ज्वाइन करके ये सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो कुर्ती मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर से दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के रजिस्ट्रेट कर लेना, एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है और कुछ भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हो। चलो तो अब हम अपनी कुर्ती को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साइज़ में कितनी है 2.25 इंच, यानी कि 2 इंच के बाद 2 लाइन। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद इसको ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। ये जो निशान है इसके बीच से ऐसे मेजर टेप को रखना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ से कुर्ती की लेंथ लेंगे। हम यहाँ से ऊपर वाली लाइन से नहीं लेंगे, अगर ऊपर वाली लाइन से लेंगे तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसे मेजर टैप को रखेंगे। लेंथ का मार्क हमें कितने इंच पे करना है? जितनी भी हमें फुल रेडी लेंथ चाहिए उसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35.50, यानी कि 35.5 इंच, 35.5 इंच हमें लंबाई का निशान लगाना होगा। अब ये जो हमने 2 इंच प्लस किया है ये सभी के लिए फिक्स है, सभी को अपने साइज में मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस करना फिक्स रहेगा। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट में जाएंगे और 35.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये रहा 35.5 इंच, 1.5 यानी कि 1.5 इंच यहाँ पर हमारा सिलाई में फोल्ड हो जाएगा और 0.5 इंच यहाँ पर शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो जो 2 इंच हमने बढ़ा के रखा है वो कम हो जाएगा और कुर्ती की लेंथ हमें 33.5 इंच की मिल जाएगी। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर एंड किया है, वहां से मेजर टेप रखेंगे ऐसे लंबा करके। यहाँ से हम लगाएंगे आर्मोल की लेंथ,
तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? आर मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला, जितना भी आपका चेस्ट है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, इसके बाद यहाँ पे प्लस करना है या फिर माइनस करना है वो हम अपने चार्ट में देखेंगे। तो हमारा चेस्ट साइज 31 इंच का है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो चेस्ट अलग अलग रहेगा, पर डिवाइड सभी को 6 से ही करना है। जब 31 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया 5.16 इंच। अब इसमें प्लस या माइनस वो हम अपने चार्ट में देखेंगे। तो वो हमें कैसे देखना है? पहले हमें देखना है चेस्ट साइज। चेस्ट साइज कहाँ पे है? यहाँ पे 31। अब अगर आपका थोड़ा कम या ज़्यादा है, यानी 31.5 इंच है या फिर 30.5 इंच है, तो 30 से लेके 31 जब तक नहीं आएगा, जब तक आपको यही कॉलम देखना है, और 31 से ऊपर जितना भी जाएगा तो आपको यही कॉलम देखना है जब तक आपका 32 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर 31 हमारा चेस्ट है, इसके सामने हम देखेंगे कि प्लस कितना करना है। तो पहले हमारा ये वाला कॉलम है जो है हाफ स्लीव्स वाला। अगर आप हाफ स्लीव्स बना रहे हो यानी कि 5 इंच तक, तो आपको ये वाला कॉलम देखना है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हो तो आपको ये वाला कॉलम देखना है, फुल स्लीव्स वाला। पर अभी हम स्लीव्स जो बना रहा है वो 15 इंच की बना रहा है, तो वो हमारी छोटी नहीं रहेगी, वो हमारी बड़ी रहेगी, तो हम ये वाला कॉलम देखेंगे। तो कितना आ रहा है? +1। तो हमारे साइज़ में +1 निकल रहा है। आपके साइज़ में अलग भी निकल सकता है, देखो 50 भी निकल सकता है, +25 भी निकल सकते हैं, +00 भी निकल सकता है, या फिर माइनस में भी जा सकता है बड़ा साइज रहेगा तो। पर अभी हमारे साइज में +1 निकल रहा है तो हम +1 करेंगे। तो यहाँ पर +1 किया तो आ गया 6.16 इंच। तो आर्मोल का मार्क हम 6.16 इंच पर करने वाले हैं। अब यहाँ से हमने पहले ही मेजर टेप रख लिया था, अब हमें मार्क करना है 6.16, यानी कि 6 इंच के बाद एक लाइन पे, यहाँ पे। अब आप ये मत पूछना कि 6 इंच के बाद एक लाइन कब लेना है, कब दो लाइन लेना है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब मेजर टेप को समझाया तो सारी चीज़ें क्लियर की थी कि किस तरह से आपको मेजर टेप को यूज़ करना होता है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो ये जो मैंने आई बटन दिया है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अब आर्मोल का मार्क करने के बाद मेजर टेप यहीं रहेगा, चेंज नहीं करना है। नीचे साइड जाएंगे और वेस्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे कि वेस्ट वाला मार्क हमें कहाँ करना है, तो वो हमें निशान लगाना है 40 इंच। 40 इंच क्या सभी साइज के लिए फिक्स है? तो यस, आपका 90% तो ये वाला मार्क फिक्स ही रहेगा 40 इंच पे। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि अभी मेरी नॉर्मल हाइट 5 फीट से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है, तो आपकी हाइट अगर 5 फीट से बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 4 फीट 8 इंच है या 4.5 फीट ही है, तो आपको ये वाला मार्क 13.5 इंच या फिर 13 इंच पे लगाना है। और अगर आपकी हाइट नॉर्मल है या फिर 5 फीट से थोड़ी ज़्यादा भी है, 5.5 फीट भी है, तो आपको ये वाला मार्क 14 पर ही लगाना है। पर अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है, जैसे कि समझ लो 6 फीट, तो आपको फिर ये वाला मार्क थोड़ा हाइट के अकॉर्डिंग 14.5 पे या फिर 15 इंच पे लगाना होगा। अब यहीं से जाएंगे नीचे और साइड स्लिट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो साइड स्लिट हमें रेडी कितने इंच पर चाहिए? 19 इंच पे। तो हमें 19.5 इंच पे मार्क करना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है? क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। सारे लेंथ वाले मार्क कर लिए हैं, अब हमें फिटिंग वाले निशान लगाने हैं। चेस्ट वाली जो फिटिंग है, ये जो हमने आर्मोल की लेंथ लगाई है, ये है हमारी चेस्ट लाइन, यहाँ पर हम चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे। और ये जो वेस्ट लेंथ का निशान लगा है, ये हमारी वेस्ट लाइन, यहाँ पर हम वेस्ट की फिटिंग लगाएंगे। और जो साइड स्लिट की लेंथ ली है, ये है हमारी हिप लाइन, यहाँ पर हम हिप की फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमें तीनों फिटिंग लगानी है। और जो दामन है वो हमें लगाना है यहाँ, जहाँ पर हमारी लेंथ एंड हो रही है वहाँ पे। नॉर्मल जितनी भी फिटिंग है उसको हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमने जो बॉडी मेजरमेंट लिया है वो नॉर्मल फिटिंग ही लिया है, इतना ज़्यादा लूज भी नहीं लिया, ज़्यादा टाइट भी नहीं लिया। नॉर्मल जो बॉडी मेजरमेंट होता है फिटिंग वाला वो लिया है। पर अगर हमको कोई मूवमेंट करना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ भी मूवमेंट करना है या फिर बैठना है, तो हमारी बॉडी क्या होती है? फैल जाती है। जब भी ऐसे मूवमेंट करेंगे तो फैल जाएगी, थोड़ा बैठेंगे तो फैल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है? अपनी बॉडी मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ लूजिंग ऐड करना होती है। अगर आपका साइज कम है तो आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है, और अगर आपका साइज 33 से ऊपर है तो आपको 3 इंच की लूजिंग ऐड करना है, और अगर आपको नॉर्मली थोड़ा और लूज चाहिए तो आप 3 इंच की लूजिंग सभी साइज में भी ऐड कर सकते हैं। तो चेस्ट लेंगे, चेस्ट के लिए मैंने सी लिखा है। चेस्ट कितना है? 31 इंच। 31 में हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच, क्योंकि साइज तो अभी हमारा कम है, 33 से तो कम ही है। तो 2 इंच की लूजिंग ऐड की तो हो गया हमारा 33 इंच। और आपको ये वाला नहीं देखना है, आपको विदाउट लूजिंग जो आपका पहले वाला मेजरमेंट है वो देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लूजिंग ऐड करनी है। तो अभी 33 हो गया, 33 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से ही डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो हमारा फैब्रिक है 1 2 3
फोर, फोर फोल्ड में रखा हुआ है, इसीलिए हम सारे मेजरमेंट को फोर से डिवाइड करने वाले हैं। तो 33 डिवाइडेड बाय 4, 4 से भाग लगाया तो कितना आ गया, 8.25, यानी कि 8.25 इंच। अब हम ऐसे ही वेस्ट वाला मेजरमेंट निकालेंगे, वेस्ट कितनी है 25, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, क्योंकि सारे मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करना है। तो 27 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना आ गया 6.75। ऐसे ही हम हिप का निकालेंगे, हिप कितना है 32, 32 में 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 34 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आ गया 8.5 इंच। जो भी मेजरमेंट हमने यहाँ पर निकाला था वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। तो यहाँ पर 8.25 इंच जो चेस्ट की फिटिंग निकली है वो हम यहाँ पर चेस्ट वाली लाइन के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 8.25, यानी कि 8 इंच के बाद 2 लाइन, ये हमने मार्क कर दिया। इसके बाद ये जो वेस्ट लाइन है इस पर हम वेस्ट की फिटिंग लगाएंगे, यानी कि 6.75, यानी कि 7.25 इंच, 7.25 पर निशान लगा दिया। और हिप की फिटिंग कितनी निकली है 8.5 इंच, यानी 8.5 इंच, तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से हमने सारे मार्क कर दिए हैं। अब हमें स्केल लेना है और इस वाले निशान को इस तरह से लंबा कर देना है, इस वाले निशान को भी इस तरह से लंबा करेंगे और इसको भी लंबा कर देंगे। हिप की फिटिंग लगाने के बाद अब हमें लगाना है दामन का निशान। तो जो दामन वाला पार्ट है वो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। अब इन सारे को हमने 4 से डिवाइड किया, और इसको 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दामन सिर्फ हम एक ही साइड का मेज़र करते हैं। जैसे कि अगर हमने ऐसे कुर्ती का दामन मेज़र किया तो यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, बैक साइड का भी मेज़र नहीं कर रहा है, जबकि हम बॉडी की फिटिंग एकदम राउंड में मेज़र करते हैं और दामन सिर्फ आधा ही मेज़र करते हैं, इसलिए हम इसको 4 की जगह 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो आ गया हमारा 9 इंच। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9 इंच पे। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर 9 इंच पे मेज़र टेप को रखा और ये हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, 1 इंच सिलाई मार्जिन सभी के लिए फिक्स रहेगा। अब इन लाइन को लंबा करने के बाद इनको आपस में इस तरह से मिला देना है। इस वाले निशान को या नीचे वाले निशान के साथ ऐसे मैच कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने 1 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है, यहाँ पर भी हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे साइड स्लेट को फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब इन दोनों निशान को भी इस तरह से आपस में मिला देंगे और इस वाले निशान को यहाँ नीचे साइड मिला देंगे। नीचे साइड से पूरी कुर्ती हमने ड्रॉ कर दी है। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है और नेक ड्रॉ करके उसकी कटिंग करना है। जितना भी आपने शोल्डर लिया है उससे 1 इंच माइनस करना है और इस तरह से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे क्रॉस में मिला देना है। अब यहाँ से मेज़र टेप रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर वाले निशान से 1/2 इंच बाहर साइड जाएंगे। 1/2 इंच बाहर साइड जाना सभी के लिए फिक्स रहेगा। 1/2 इंच वाले निशान को शोल्डर के साथ इस तरह से मिला देंगे एकदम ऐसे स्ट्रेट में स्केल से। इसके बाद देखो फ्रेंच कर्व लेना है, फ्रेंच कर्व को इस निशान के साथ और जो हमारी फिटिंग वाला निशान है उसके साथ ऐसे मैच करके रखेंगे नीचे वाली साइड से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर इस लाइन को ऐसे नीचे तक लेके जाएंगे। यहाँ से ये निशान जो रहेगा एक लाइन जितना थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो जाने दो क्योंकि बाद में इन फ्यूचर हम इसको लूज़ करेंगे तो थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो हमारा आर्मोल फिटिंग जब हमारी बढ़ेगी तो आर्मोल भी बड़ा हो जाएगा उसका उसी के अकॉर्डिंग, तो हमें थोड़ा नीचे साइड लेना है। तो इस तरह से हमने फ्रेंच कर्व से आर्मोल भी ड्रॉ कर दिया। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो नॉर्मल आप 1/2 इंच वाला निशान लगाना, इसके बाद ये फिटिंग वाले निशान से ऐसे ऐसे डैश 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 करके ऐसे नॉर्मल राउंड करके फिर आप इसको ऐसे हाथ से मिला देना। इस तरह से भी आप आर्मोल को ड्रॉ कर सकते हो। तो आर्मोल हमने ड्रॉ कर दिया है। ये जो आर्मोल हमने ड्रॉ किया है ये हमारा बैक साइड के लिए, फ्रंट साइड के लिए आर्मोल हम अलग से ड्रॉ करेंगे क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा गोलाई करनी होती है हमें। तो लेके यहाँ तक जो हमने इसका सेंटर निकाला था, सेंटर पर ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और 0.25 अंदर साइड निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने 0.25 अंदर साइड निशान लगाया। अब ये वाली जो क्रॉस लाइन है यहाँ से ऐसे स्केल को रखना है और इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर ये जो आर्मोल आ रहा है यहाँ पर मेजर टैप रखेंगे और 0.75 की एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। कितनी 0.75 की।
अब यहाँ पर इसको नॉर्मल इस तरह से स्ट्रेट लेंगे, थोड़ा थोड़ा राउंड करते जाएंगे, यहाँ तक ऐसे हल्का सा राउंड किया और ऊपर स्केल के साथ ऐसे शोल्डर के साथ मैच कर देंगे। मैच करने के बाद अभी लाइट दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर इसको ऐसे राउंड करके डार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस तरह से आपको एक्स्ट्रा गोलाई करनी है। फ्रंट आर्मोल ड्रॉ करने के बाद अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की विड्थ हमने पहले ही लगा दी थी, अब यहाँ से हमें मेजर टैप को रखना है। फ्रंट साइड का नेक डीप कितने इंच का है हमारा, 6 इंच का, तो हमने 6 इंच पे मार्क कर दिया। फिक्स कर रहे हैं क्योंकि इसी के ऊपर अभी हम विदाउट कैनवास विदाउट कोई पेस्टिंग फ्यूजिंग यूज़ किया, हम इसी के ऊपर नेक बनाने वाले हैं। आगे मैं आपको कैनवास के ऊपर भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर जब भी आप कुर्ती के ऊपर ही नेक बनाओगे तो आपको नेक की लेंथ फिक्स रखनी है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, जितना भी आपका नेक है उतना आपको फिक्स निशान लगा देना है। तो अभी हमारा नेक 6 इंच का है, तो हमने 6 इंच पे मार्क कर दिया। जितनी नेक की विड्थ हमने यहाँ पर ली थी उतना ही हम यहाँ पर लेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से हमने एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद देखो यहाँ पर हमें ऐसे डॉट 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 करके इसमें नेक में राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अगर आपको ऐसे राउंड बनाना है या फिर ऐसे स्क्वायर बनाना है या फिर ऐसे नॉर्मल राउंड स्क्वायर वगैरह बनाना है तो आप इस पर कट करो। अगर और कोई ऐसा हार्ड शेप स्वीट हार्ट या फिर अलग कोई बनाना है तो आप फिर उसको कैनवास के ऊपर कटिंग करोगे। अगर आप नॉर्मल हाथ से यहाँ पर शेप ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो आपको यहाँ पर यहाँ से मेजर टैप रखना है। यहाँ पर आपको 0.75 पे इस तरह से मार्क करना है। 0.75 पे मार्क करने के बाद ये जो फ्रेंच कर्व रहेगा, फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखोगे, कहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा राउंड है वहाँ पर इस तरह से ऐसे रखा इस वाली लाइन को, और नीचे वाली लेंथ वाली लाइन को ऐसे टच करते हुए रखेंगे और इस तरह से ऐसे मिला देंगे। देखो इससे भी आपका शेप राउंड हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक है। बैक वाला जो नेक है वो आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, बैक साइड से भी कट कर सकते हो, क्योंकि अभी शॉर्ट है। अगर डीप रहेगा तो आपको अलग से ही कटिंग करना पड़ेगा। तो अभी शॉर्ट है तो मैं आपको यहीं से कटिंग करना बता देती हूँ। बैक साइड का नेक हमारा 3 इंच का है, तो 3 इंच पे मार्क किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। सेम यहाँ पर भी 0.75 पे मार्क करेंगे ऐसे क्रॉस में रख के। मार्क करने के बाद यहाँ पर फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे, ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को टच करता हुआ, और इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पर नेक, आर्मोल, फिटिंग, वेस्ट फिटिंग, साइड स्लेट, कुर्ती की लेंथ, सारी चीज़ों के मार्क हमने इसमें कर दिए हैं, बस अब हमें इसमें कटिंग करना बाकी है। तो यहाँ से आपको ऐसे स्ट्रेट में कट करना है। यहाँ पर शोल्डर डाउन है तो इस तरह से डाउन में कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो बाहर वाली लाइन है, पहले आपको बाहर वाली लाइन के ऊपर से कट करना है क्योंकि बैक वाला आर्मोल है। अब अंदर वाली लाइन के ऊपर से कटिंग नहीं करना है, बाहर जो मार्जिन वाली लाइन है यहां से कट करना है, और यहां पर भी पॉइंट नहीं देना है, हल्का सा ऐसे राउंड ले लेना है। यहां पर भी अगर आपका पॉइंट बन रहा है, क्योंकि बड़े साइज में पॉइंट बन सकता है, तो यहां पर भी आपको ऐसे हल्का सा राउंड शेप देना है। अब यहां पर इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, यहां से ऐसे घुमाएंगे और यहां से स्ट्रेट में कट कर देंगे, जहां से हमारी लेंथ एंड हो रही है वहीं पे। अब यहां पर एक कट लगा देंगे क्योंकि यहां से हमें साइड स्लेट को फोल्ड करना है। कुर्ती को वापस जमा के रख लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग जहाँ पे आ रही है वहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह से। एक हमें वेस्ट लाइन के ऊपर कट लगाना है, एक कट हम लगाएंगे यहाँ पर साइड स्लिट की लेंथ के पास। इस तरह से हमें कट्स लगाना है। इस तरह से कुर्ती को हमने कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर हमारा साइड स्लिट वहाँ पर ऐसे दो फैब्रिक उठाएंगे। दो फैब्रिक उठाने के बाद यहाँ पर ऐसे नाखून रखेंगे और ऐसे नीचे साइड निशान लगा देंगे। यहीं से जाएंगे इस वाले मार्क के पास, यहाँ पर इसमें भी इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो कट है वहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। अब ये वाला मार्क करने के बाद इसको हमें इस तरह से रखना है और बैक नेक की कटिंग कर देना है। अभी हमें दोनों पार्ट में बैक नेक की कटिंग करना है क्योंकि नेक शॉर्ट है, इसीलिए अगर डीप होगा तो दोनों पार्ट को अलग अलग करोगे, वो भी मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर ऐसे बैक नेक कट कर दिया,
अब यहाँ से इसको हटाएंगे, बैक वाले नेक को हटा देंगे, फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से जो फ्रंट वाला नेक है फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे, इस तरह से फ्रंट नेक हमने कट कर दिया। फ्रंट वाले पार्ट में हमें एक्स्ट्रा गोलाई भी करनी है, यहाँ से नेक ऐसे ही रहना चाहिए, यहाँ से गोलाई करेंगे। जो हमने अंदर वाला मार्क किया था उसी मार्क के ऊपर से हमें इस तरह से एक्स्ट्रा गोलाई कर देनी है, ये देखो इतनी। फ्रंट नेक कटिंग हो गया, फ्रंट वाले पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई भी हो गई, और समझ लो अभी आपका फ्रंट का नेक डीप था और बैक का शॉर्ट था, अगर बैक नेक भी डीप होता तो क्या करते, जितनी नेक विड्थ हमने फ्रंट साइड ली थी उतनी बैक साइड लेते और बैक के नेक को अलग से यहाँ पर ड्रॉ करके उसको अलग से कट करते। और जब आपका नेक यहाँ पर ऐसे पास पास रहेगा तो दोनों को साथ में कट मत करो, दोनों को अलग अलग कट कर लो। तो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे वापस से जमा देंगे, और यहाँ पर एक फैब्रिक हटा दिया, दूसरा वाला फैब्रिक हटाएंगे, और जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उनको यहाँ पर इस कट के पास ऐसे स्केल को रखना है, थोड़ा लंबा कर देना है इस निशान को, इस निशान को भी थोड़ा लंबा करेंगे, और यहाँ से इस वाले निशान को इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, और इस वाले निशान को यहाँ कट के साथ इस तरह से मैच कर देंगे। तो यही फिटिंग के निशान हमने बैक साइड भी उठा दिए। अब इस वाले निशान को यहाँ कट के पास ऐसे मैच करेंगे, परफेक्ट स्केल को मिलाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमें साइड स्लिट का भी पता चल गया कि हमें साइड स्लिट कहाँ से फोल्ड करना होगा। अब कुर्ती को हम वापस से जमा कर अच्छे से रख लेंगे, क्योंकि अब इसमें कुछ भी काम बाकी नहीं रह गया है, अब हमें सिर्फ स्लीव्स की कटिंग करना है। तो स्लीव्स कटिंग करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि स्लीव्स कटिंग करना मैं आपको एक सिंपल ही नहीं बताऊंगी, सारी टाइप की अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग, हाफ स्लीव्स हो या फिर बड़ी स्लीव्स हो, आपको स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं पूरा फुल डिटेल में। तो हमारी इस वाली कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो अगर आप भी अपना बुटीक ओपन करना चाहते हो और प्रोफेशनली सिलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए एक बार आप हमारी एप्लीकेशन जरूर विजिट करना, और अगर आपको कोई क्वेरी है ऐप से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया इस पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कुर्ती मास्टर क्लास, तो कुर्ती मास्टर क्लास के अंदर हमने आपको 28 से लेके 40 साइज तक सारे अलग अलग साइजेस की कुर्तियां बनाना सिखाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप छोटे साइज की या फिर बड़े साइज की सीखोगे, आपको सारे साइज की सीखने को मिलेंगे। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, इसकी कटिंग कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 25 फ्री सिलाई क्लास चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।